कभी विप्र सुदामा पत्नी को है सखा कृष्ण बतलाया था। गुरुकुल में जब वो पढ़ते थे हरि ने उन्हें मीत बताया था। यह भी बोला कि कृष्ण मेरे बचपन से ही है परम मित्र, अब भी प्रतिपल छाया रहता मानस पर एक रमणीय चित्र। अब तो द्वारका के धीश हैं वे, अब तो द्वारका के धीश हैं वे, राजाओं में बड़ राजा हैं, केशव नरेश हैं, जनपालक न्यायी धर्मी महाराजा हैं। ये बात बताए बीत गए कई वर्ष माह सप्ताह दिवस, पर आज सुदामा पत्नी ने एक प्रश्न किया जिज्ञासावश। एक बात नाथ बतलाओ तो, क्या श्याम अभी भी तेरे यार, अब भी है स्नेही वैसे ही, क्या वैसा ही है अमिट प्यार। धीरे स्वर में ब्राह्मण बोला, प्रिय पूछ रही हो क्यों ऐसे, मुझे आशा है विश्वास भी है मेरे कान्हा आज भी हैं वैसे। वो नाथ हमारे मीत सखा भगवान भाव भय भक्ति हैं, मेरी पूजा वे आराधन वे मधुसूदन जीवन शक्ति हैं। उनके बिन ना अस्तित्व मेरा, ये जीवन भी बेईमानी है, मेरे कृष्ण त्रिलोकी अधिनायक मोहन की अथक कहानी है। जैसे रखे उनकी इच्छा, जैसे रखे उनकी इच्छा, मैं कृष्ण कृष्ण ही गाता हूँ, दिन रात उन्हीं को भजता हूँ, दीनता में भी सुख पाता हूँ। सहसा क्यों ऐसे भाव जगे, भद्रे क्यों पूछ रही ऐसे, क्या बात है शंका करने की, कुछ कहा किसी ने हो जैसे। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मन में जागी जिज्ञासा है, प्रिय मित्र अगर है श्याम प्रभु नहीं भूलेंगे यही आशा है। यदि रुष्ट ना हो एक बात कहूं, यदि रुष्ट ना हो एक बात कहूं, तुम क्यों ना द्वारका को जाओ, प्रिय मित्र भी हैं और राजा भी, कुछ कान्हा जी से ले आओ। क्या कहती हो मेरी भाग्यवान, श्री कृष्ण द्वारे पर जाऊं, अब तक की बनी मित्रता को मिट्टी में मिश्रित कर आऊं। जिस दिन कोई मित्र बने मंगता, मित्रता उसी दिन करे अंत, कभी भूल के ऐसा ना करिए, प्रतिदिन समझाएं सभी संत। गए बीत तीन पन वैसे भी, चौथे में क्या करनी आशा, वृद्धापन खुद में ही दुख है, हो चाहे धनी अच्छा खासा। जैसे बीते वैसे जी लो, कम मिले तो उतना ही खाओ, सब दुख सहकर भूखे रह लो, पर मित्र से मांगने ना जाओ। जो बात मुझे ही ना भाए, वो मन को क्या समझाऊंगा, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं द्वारका कभी ना जाऊंगा। स्वामी बच्चे भूखे रहते, कभी दिन भर तो कभी दो दो दिन, उन्हें पानी पिला सुला देती भोजन के एक दाने के बिन। मैं स्वयं रहूं भूखी कितनी, मुझे सब अवसाद सुहाता है, संतान का दुख दारुण लगता, प्रतिदिन यह हृदय भर जाता है। भूखा कर सकता पाप कोई, वो कितना बड़ा सयाना हो, सब न्याय नियम तो ठीक लगे, तन वस्त्र उधर भर खाना हो। वैसे भी भिक्षा मांगे हम, कभी इस घर में कभी उस घर में, एक बार कृष्ण से ले लें यदि, मिट जाए जाना दर दर में। इसमें तो लाज की बात नहीं, जब श्याम तुम्हारे हम झोली, उनके दर पर भी जा मांगो, कांधे पर डाली जब झोली। राजा यदि थोड़ा भी देगा, औरों से कई गुना होगा, कुछ दिन तो सुख से निकलेंगे, आगे जो होना है होगा। कभी भूखे अध भूखे सोते, भर पेट अन्न तक नहीं दिया, बच्चों के तन कंकालों पर हे नाथ कभी क्या ध्यान दिया। नीचे के तो सबके वस्त्र फटे, ऊपर का भी तन वसनहीन, तन भूखा है मन भूखा है, हम तुम बच्चे सब दीनहीन। मिट्टी बर्तन कुटिया टूटी, सब जगह अभाव की रेखा है, जब से मैं ब्याह के आई हूं मैंने केवल दुख देखा है। ना उलाहना ना ताना है, ना उलाहना ना ताना है, हम जीवन साथी सच्चे हैं, मेरा मन दुख से भर जाता है, आते समक्ष जब बच्चे हैं। खोदो सावा गुजई बजरा मिलता प्रतिदिन यदि खाने को, परिहास में भी मैं ना कहती कान्हा के द्वारे जाने को। मेरे लुगरी ध्यान से देखो तो,
मेरे लुगरी ध्यान से देखो तो 100 से भी अधिक हैं गोल छेद, जब दशा देखती पुत्रों की उड़ता मन में अति बृहद खेद। सब जगह मांगने हो जाते भल मानुष हो या अपलक्षी, 100 स्वर्णकार की खुट खुट एक धम लोहार की है अच्छी। पहले तो सुदामा पत्नी पर हुआ रुष्ट बहुत और खींच गया, कई बार चिरौरी करने से एक पति का हृदय पसीज गया। है पता कि बहुत गरीबी है, तुम निस्दिन विपदा सहती हो, वैसा ही करूंगा अब आगे जैसा जैसा तुम कहती हो। पर धोती भी तो एक ही है, बिन धोए पहन के जाऊंगा, कई जगह से फट कर जीर्ण हुई ये जानू वहां ल जाऊंगा। एक काम करो, कहीं कैसे भी कुछ चावल मांग के ले आना, राजा बेटी साधु के घर चाहिए नहीं खाली जाना। अगले दिन निकट पड़ोसन से कुछ चावल मांग के ले आई, भरतार को अपने विदा किया, वसुधा मन में कुछ हर्ष आई। ब्राह्मण पत्नी के मन में आज कुछ कम लगती थी दैन्य तपन, श्री कृष्ण करेंगे अनुकंपा, जग गई आस और कई सपन। बचपन का बिछुड़ा श्याम सखा, पग पग करता केशव को नमन, भूखा प्यासा एक भक्त विप्र अनवरत करे द्वारका गमन। थी प्यास लगी था रिक्त उदर, तन पर सूरज तपता जाए, ठोकर लगती कांटे चुभते, पर कृष्ण कृष्ण जपता जाए। सोचे जाऊं या लौट चलूं, अंतर मन रहा है डोल मेरा, मैं भिक्षुक हूं कान्हा राजा, उनके आगे क्या मोल मेरा। कभी तेज चले कभी रुक जाए, पग कंटक घाव सताए बहुत, द्वारकापुरी है बसी दूर, पहुंचूं कैसे घबराए बहुत। कहती थी भूख ठहरने को, आगे बढ़ने का ना था बल, पर कृष्ण मिलन की अभिलाषा, पल पल कहती बस चलता चल। ऊबड़ खाबड़ कंकरीला पथ, जूता भी नहीं था पाँव में, सिर ऊपर धूप जलाए बदन, मन कहे बैठ जा छाँव में। चलता जाए भजता जाए, दुविधा में बीता पथ सारा, पैरों ने उत्तर दिया मगर हरिभक्त नहीं हिम्मत हारा। पथ पूछत पूछत पहुंच गया श्री कृष्ण कृपा से कृष्ण महल, हरिभक्त सुदामा वहां खड़ा, जिस द्वार पे प्रहरी रहे टहल। रखवालों का अभिवादन कर औचित्य व परिचय बतलाया, हे द्वारपाल हरि से कह दो, द्वारे पर एक याचक आया। मेरा नाम सुदामा पांडे है, श्री कृष्ण हमारे परम सखा, बड़ी दूर से मिलने आया हूँ, कृपया कह दो जो मैंने कहा।